के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर एबीवीपी ने धरना दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस यहां पहुंची, हंगामा कर रहे छात्रों को अंदर जाने से रोका। आक्रोशित छात्रों ने बाहर धरने पर बैठकर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों की मांग पर पुलिस बल के बीच कॉलेज प्रिंसिपल सौलत अली बाहर पहुंचे और आक्रोशित छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में छात्रों के लिए पीने के पानी सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है। मांग पहले भी की जा चुकी है। प्रिंसिपल का कहना है कि सभी मांगों पर पहले से काम चल रहा है और जल्द ही सभी को पूरा किया जाएगा। दिनेश देवंदा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय। आज एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की साफ सुथरी मांगों को लेकर प्राचार्य सर यहाँ पे महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इसमें मांग थी हमारी बिल्डिंग को सही कराने की और पवेलियन पे जो बाहरी लोगों द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को हटाने की। छात्रों का जो ज्ञापन आया है उससे पहले ही मैंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। बिल्डिंग का जैसे ही मैंने ज्वाइन किया लेटर्स पीडब्ल्यूडी को मूव किए हमने, और पीडब्ल्यूडी के मूव करने के बाद जब पीडब्ल्यूडी ने सुना तो डायरेक्टरेट, कमिश्नरेट और कलेक्टर साहब सबको हमने लिख दिया, और उसके बाद भी हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने कृषि विपणन बोर्ड से कहा, वो आ गए, उन्होंने कल से सर्वे शुरू कर दिया और उन्होंने तखमीना बना के एक हफ्ते में तखमीना दे देंगे हमें बना के। और जो छतें पुरानी 2-3 साल पहले का मामला है वो गिर रही हैं, वो हम मैं खुद चाहता था कि उसको सही कराया जाए, और उसी का रिजल्ट है कि हमने उसको शुरू कर दी प्रोग्राम। कल सर्वे हो गया, सर्वे रिपोर्ट आएगी और तखमीना आएगा टेंडर करके और छत्तीसगढ़ में बात करने के लिए कहे तो उन्होंने अंदर चैम्बर में भी नहीं जाने दिया हमें यहाँ पे बैठ के बात करने के। अगर जो महाविद्यालय की बिल्डिंग का जो कार्य है वो थोड़ा लंबा चलेगा, इन्होंने आश्वासन दिया कि ये लंबा कार्य चलेगा, इससे जो वाटर कूलर की व्यवस्था है, साफ सफाई की है, इन मामले में अगर 7 दिन का इनको समय दिया है, अगर 7 दिन में अगर वो मामले कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती, उनका निवारण नहीं होता है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता महाविद्यालय के साथ में, महाविद्यालय के छात्र शक्ति के साथ में वापस उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। तो छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने छात्रों को कॉलेज में जाने से रोका। उसके बाद छात्रों ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा, पानी सहित अन्य सुविधाओं की मांग इन छात्रों ने की है। तो छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। टोंक की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने छात्रों को कॉलेज में जाने से रोका। इसके बाद छात्रों ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा और वहीं प्रिंसिपल का कहना था कि ये मांगे पुरानी हैं जिस पर काम चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन।